आ गया श्वेता, जिसको सबको बेसब्री से इंतजार था। पहाड़ों पर बर्फबारी हो गई है, क्योंकि इस बार बर्फबारी ने काफी वेट करवा दिया। अब उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर, हर जगह बर्फबारी ने दस्तक दे दी है। बिल्कुल, और पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है तो सैलानियों के चेहरे भी खिल गए हैं, और कह सकते हैं कि जो लोग वहां पर रह रहे थे उनको भी सूखे से निजात मिल गई है, तो वादियां भी खिल उठी हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर सूखा खत्म हो गया है, एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। लंबे इंतजार के बाद गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया। वहीं सोनमर्ग, जोजिला दर्रा, सिंथन दर्रा सहित ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जहां भारी बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। जोरदार बर्फबारी से सड़कों पर कई फीट बर्फ जम गई है, जिसकी वजह से दूर दराज इलाकों में वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में पारा -3.7 के नीचे पहुंच गया है। हालांकि बर्फबारी से स्थानीय लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। स्नोफॉल नहीं होने से घाटी में सूखे जैसी स्थिति बनती जा रही थी। सैलानी भी कम आ रहे थे और सेब की बागवानी पर भी बुरा असर पड़ रहा था, लेकिन बर्फबारी शुरू होने से घाटी के लोगों की आस जग गई है। कश्मीर घाटी में करीब 2 महीने लेट से बर्फबारी शुरू हुई है। सफेद बर्फ से ढका यह इलाका जम्मू कश्मीर का सोनमर्ग है, जिसे कुदरत ने फुर्सत में बनाया है, जहां मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। बर्फबारी होने से सोनमर्ग की सुंदरता को 4 चांद लग गई है। सोनमर्ग आइस स्केटिंग और पर्यटकों के लिए काफी लोकप्रिय है। ऐसे में स्नोफॉल का ये नजारा सैलानियों को लुभा रहा है। श्वेता, जम्मू कश्मीर में जब बर्फबारी होती है तो तस्वीरें बिल्कुल अलग जुदा नजर आती हैं। वादियां इतनी खिली खिली नजर आती हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर तो हमने दिखा दी, हिमाचल की भी कुछ तस्वीरें दिखाते। हिमाचल की वादियां भी कम खूबसूरत नजर नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बर्फबारी नहीं होने की वजह से जो सैलानी है, इसके अलावा जो वहां पर व्यापारी है, वो थोड़े से निराश थे, क्योंकि पर्यटकों के नहीं पहुंचने से उनके कारोबार को नुकसान हो रहा था। लेकिन अब जब बर्फबारी फाइनली हो गई है तो सबके चेहरे खिल उठे हैं। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। कुल्लू में हुई बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए। बर्फबारी के साथ हुई हल्की बारिश के चलते तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों पर सफेद नजारा देखने को मिल रहा है। अटल टनल रोहतांग, लाहौल स्पीति की पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। अटल टनल का ये नजारा काफी सुंदर और मनमोहक नजर आ रहा है। देखिए कैसे यहाँ आसमान से बर्फ के फाहे गिर रहे हैं। पहाड़ की चोटियाँ सफेद हो गई हैं, तो वहीं तापमान भी काफी नीचे लुढ़क गया है। अटल टनल रोहतांग के आसपास 1 इंच से ज्यादा बर्फबारी दर्ज की गई है, तो वहीं फिसलन बढ़ने से लेह मनाली हाईवे पर फिलहाल वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। चंबा में हल्की बर्फबारी हुई है और आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। जनवरी के महीने में उत्तराखंड से लेकर कश्मीर घाटी तक पहाड़ियां बर्फ से ढकी रहती थीं, लेकिन इस साल हालात कुछ अलग हैं। जैसी बर्फबारी होनी चाहिए थी हुई नहीं है। लाहौल घाटी में लगभग 30 साल बाद ऐसे हालात बने हैं कि बर्फबारी जनवरी महीने में शुरू हुई है।